नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह सुबह यह खबर निकलकर सामने आई है कि उन्नाव में एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है और इस रोड एक्सीडेंट में 18 लोगों की जान चली गई है और 30 से ज्यादा लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस कई बार पलट गई और इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस यूपी 95T4720 बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी, जब बस सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव के बेहटा मुजवारा थाना क्षेत्र के गाढ़ा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध भरे टैंकर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान बस से टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखचड़े उड़ गए। जहां हादसा हुआ है उस जगह लाशों का अंबार लग गया है। दूसरी ओर तड़के हुए इस हादसे के इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और टीम घायलों को अस्पताल ले जा रही है। इस हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दे दी है। सूचना मिलते ही बांगरमऊ के इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया है। डॉक्टरों ने 18 लोगों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया है। मरने वाले में 14 पुरुष और 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। दरअसल आपको बताते चलें कि ये बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस, और डबल डेकर बस पर यूपी के उन्नाव में एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट के बाद जो है इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बांगरमऊ इलाके में दूध भरे एक टैंकर ने बस को टक्कर मार दी है, जिसके बाद ये बस पलट गई है और इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। बिहार से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस दूध के टैंकर से टकराई है और उसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह ये खबर निकल कर सामने आती है कि उन्नाव में एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और ये रोड एक्सीडेंट में फिलहाल 18 यात्रियों की मरने की खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका भी इलाज करवाया जा रहा है। आगे इस मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट जारी किया जाएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जहां सुबह 4:30 बजे ये रोड एक्सीडेंट हुआ है और ये रोड एक्सीडेंट होने के बाद जब प्रशासन पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंची तो वहां दल बल के साथ टीम पूरी पहुंची है और अब यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। आगे क्या कुछ होगा हम आपको ऐसे ही अपने वीडियो के जरिए अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।